अच्छा तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? कंफर्मेशन आया या नहीं? हम सब पार्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं यार। मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ, वेंकट ने कहा था आज ही होगा। हेलो, क्या बात है, मेरे पास क्यों बैठे हो? इस माहौल में महारानी के साथ कॉफी पीना चाह रहा हूँ। सब हमें देख रहे हैं। खूबसूरती को सभी देखते हैं भानु, ये तो कॉमन है। हमारे बारे में सब गलत बातें बनाएंगे। गलत बातें? समझेंगे हम दोनों के बीच कुछ है। वो क्या है? पहले जाकर मुझसे दूर बैठो। गोद में बैठूंगा तो गलत हो गया, पास बैठूंगा तो उसमें गलत क्या है? पियो पियो, बहुत मेहनत की है ना तुमने, एनर्जी की जरूरत है। मुझे सबके सामने वो ड्रिंक ओपन नहीं करनी थी। तो फिर क्यों ओपन की? वो कर लेता ना। अच्छा। अरे वो बात नहीं, उसे हमें ही ओपन करना था, उसमें जो कॉइन था वो हम ले सकते थे ना। व्हाट एन आईडिया मैडम जी, आप इस दुनिया को तो बदल देंगी। अगर मैंने ओपन किया होता तो वो गोल्ड कॉइन मेरा ही होता। थैंक्स। एक काम करो, अभी स्टोर रूम में जाकर सारी बोतलें खोल कर देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वामसी, मारूंगी तो रोज। हेलो मैनेजर? हाँ हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मे आई कम इन सर? ऑलरेडी अंदर आ चुकी हूँ। भानुमती शेट्टी, सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ सर, आप भानु कह सकते हो। अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। सर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया तो आपने जॉब से ही निकाल दिया। मैं भी प्रमोशन देना चाहता था पर क्या करूं, मजबूरी है। आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? पता चला है तुम्हारे सर्टिफिकेट्स फेक हैं, इसलिए निकाल दिया। क्या मेरे? नहीं तो क्या मेरे? कंपनी को नकली सर्टिफिकेट्स नहीं बल्कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए। कॉलेज का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नकली नहीं। तुम्हारी पढ़ाई क्या है? 12वीं पास, 10वीं फेल? मेरे फेल होने का चांस ही नहीं है सर। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। सर मैंने जितने टारगेट किए कोई भी नहीं कर पाया। गलती सामने आने के बाद पहले की क्यों ही गलतियां सही नहीं हो जाती हैं? मैं अपना काम सही से कर रही हूँ, उसमें क्या गलत है? मैं अपना टारगेट अचीव तो कर रही हूँ ना सर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पर तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। बोलिए सर, क्या करना होगा? तुम्हें नहीं पता? मेरी मदद करो, इतना ही काफी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा नेचर काफी हेल्पफुल है। मैं पक्का हेल्प करूंगी सर। एक मिनट। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। सर हाँ, फैक्स आ गया सर। ओके सर। क्या हेल्प करनी होगी? 01-88-67-89। सर डिलीवरी मंगलवार तक हो जाएगी कैसे भी, बाकी की डिटेल्स मैं फैक्स कर देता हूँ सर। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन सर। सर 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 मैंने आपसे कहा था सेल्स सुपरवाइजर के प्रमोशन के बारे में, आज शाम तक फाइनल कर देता हूँ मैं सर। यस सर। सो थैंक्स सर, थैंक यू सो मच सर। गुड बॉस, तुमसे बहुत इंप्रेस हैं भानु। तुम मुझे इंप्रेस करोगी तो काम हो जाएगा, लाइफ में ऊपर जाना इतना आसान नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछो। बॉस विनोद की जरूरत भी तुमने ऐसे ही पूरी की थी? उनकी हेल्प करके ही तुम मैनेजर बने हो। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। लाइन कटने के बाद भी तुम फोन पर बात कर रहे थे, मैं बेवकूफ हूँ क्या? लाइन कट नहीं थी, मैंने सर से बात की थी। लाइन कट गई थी, मैंने सुना। मुझे बस सिखाओ, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। गेट आउट, आई से गेट आउट।
स्टार्ट हो जाओ। अभी ऐसा होना था। अरे तेरे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज स्टार्ट हो जा। जिंदा है कि मर गया? मर गया होगा। जब मौत का एहसास होता है तो जिंदगी की तमाम बातें याद आती हैं। ड्रेस तो बड़ी अच्छी है, कब ली? कहां से ली? चोरी यहीं पर करनी है? एक दिन नहीं पियोगी तो मर जाओगी क्या? एक पल में दिमाग के अंदर मानो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। रेगिस्तान में बारिश होने जैसा आगाज हो जाता है। बारिश रुकने के बाद जैसे सूरज दिखाई देता है वैसे ही वामसी को भानु दिखी। भानु, आज हमारा बॉस आने वाला है, आज नहीं होगा कहा था ना। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस फॉर? 3200 डिस्काउंट के बाद 27। हाँ 27। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भानु, प्लीज। वो लोग ट्राई करेंगे तो मैं नहीं करूंगी, कस्टमर और मैं अलग हैं। वहाँ हमें पैसे मिलते हैं लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें पता है तुम आज बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे कपड़े एक घंटे पहले लौटा दूंगी। भानु, एक किट्टू। ओ,
How is this? अच्छी दिख रही हूँ ना? Hey भानु, मैं तुम्हें एक घंटे में लौटा दूंगी. Regular customer. करने की ये फॉर्मेलिटी जरूरी है क्या? तुम्हारे बिना हमारा काम कैसे हो सकता है? अरे वाह, मस्का तो अच्छा लगा लेते हो, पर कुछ ज्यादा ही हो गया. तुम्हें एक बात पूछूं, मिस्टर परफेक्ट बनना है तो क्या करना होगा? वेंकट होगा तो नहीं चलेगा, लॉर्ड वेंकट होना चाहिए. मतलब अंबानी जितना रिच होना चाहिए. डन. अगला जो ट्रक आएगा उसमें गोल्ड बिस्किट होगे, वो मैं चोरी करूंगा. मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे साथ शादी कर लेना. तुम्हें ये गोल्ड बिस्किट का घटिया इन्फॉर्मेशन कौन देता है? इस तरफ, यहाँ रख दो. हेलो, 1 2 3 1 2 3. मेरे आने से पहले चेक करना था ना. वामसी, वामसी, वामसी! गुड मॉर्निंग भानु. ड्रेस अच्छी है. इसीलिए तो पहनी है. हे भगवान, देख ले ना. हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आप सब कैसे हैं? आप ठीक तो हैं ना? आशा है आप सबकी शॉपिंग अच्छी चल रही होगी. वेलकम टू समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, समथिंग हेल्दी एनर्जी ड्रिंक. आई विल गिव यू सम सैंपल्स सून. बिफोर सैंपल, स्मॉल इन्फॉर्मेशन. ये सब बातें छोड़, बस अपना नंबर दे दे. हेलो. फोन तो अच्छा है, पर इसका सही इस्तेमाल करेगा ना तो अच्छा रहेगा. I want to share this op share this opportunity to win a gold coin in every bottle of energy drink. I want to share this opportunity to win a gold coin in every bottle of energy drink. Guarantee winner of every 100 bottles sold. Bottles sold. With health, we bring you wealth. Here is the best part. There is a jackpot too. The jackpot is 4 bricks of gold. This is our way of sharing the festive season of Sankranti. Is Sankranti ko hogi aapke ghar mein sone ki chamak. Zara ek minute. Wo lucky winner hamare samne hi hoga. Aap log try kijiye. Remember, 1 in 100 winner for sure. Try कीजिए. कैसा है ये? It's good. एक मिनट. आप lucky winner हो सकते हो. Oh, sorry. सर आप भी try कीजिए. Madam आप भी. Thank you. Yay! I won. देखा, मैंने कहा था ना आपके सामने ही lucky winner होगा. इस लड़की ने इस संक्रांति में हमारी तरफ से जीता है ये gold coin. अच्छा, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? कॉन्फर्मेशन आया या नहीं? हम सब पार्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं यार. मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ. वेंकट ने कहा था आज ही होगा. हेलो. क्या बात है, मेरे पास क्यों बैठे हो? इस माहौल में महारानी के साथ कॉफी पीना चाह रहा हूँ. सब हमें देख रहे हैं. खूबसूरती को सभी देखते हैं भानु, ये तो कॉमन है. हमारे बारे में सब गलत बातें बनाएंगे. गलत बातें? समझेंगे हम दोनों के बीच कुछ है. वो क्या है? पहले जाकर मुझसे दूर बैठो. गोद में बैठूंगा तो गलत हो गया, पास बैठूंगा तो उसमें गलत क्या है? पियो पियो, बहुत मेहनत की है ना तुमने, एनर्जी की जरूरत है. मुझे सबके सामने वो ड्रिंक ओपन नहीं करनी थी. तो फिर क्यों ओपन की? वो कर लेता ना. अच्छा. अरे वो बात नहीं, उसे हमें ही ओपन करना था. उसमें जो कॉइन था वो हम ले सकते थे ना.
व्हाट एन आईडिया मैडम जी, आप इस दुनिया को तो बदल देंगी। अगर मैंने ओपन किया होता तो वो गोल्ड कॉइन मेरा ही होता। थैंक्स। एक काम करो, अभी स्टोर रूम में जाकर सारी बोतलें खोल कर देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वामसी, मारूंगी तो रोज। हेलो मैनेजर, हाँ हाँ मैं बस अभी आती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मे आई कम इन सर? ऑलरेडी अंदर आ चुकी हूँ। भानुमती शेट्टी, सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ सर, आप भानु कह सकते हो। अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। सर, अब प्रमोशन के लिए अप्लाई किया तो आपने जॉब से ही निकाल दिया। मैं भी प्रमोशन देना चाहता था, पर क्या करूं, मजबूरी है। आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? पता चला है तुम्हारे सर्टिफिकेट्स फेक हैं, इसलिए निकाल दिया। क्या मेरे? नहीं तो क्या मेरे? कंपनी को नकली सर्टिफिकेट्स नहीं बल्कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए। कॉलेज का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नकली नहीं। तुम्हारी पढ़ाई क्या है? 12वीं पास, 10वीं फेल? मेरे फेल होने का चांस ही नहीं है सर। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। सर, मैंने जितने टारगेट किए कोई भी नहीं कर पाया। गलती सामने आने के बाद पहले की हुई गलतियां सही नहीं हो जाती हैं। मैं अपना काम सही से कर रही हूँ, उसमें क्या गलत है? मैं अपना टारगेट अचीव तो कर रही हूँ ना सर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। बोलिए सर, क्या करना होगा? तुम्हें नहीं पता? मेरी मदद करो, कितना ही काफी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा नेचर काफी हेल्पफुल है। मैं पक्का हेल्प करूंगी सर। एक मिनट। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। सर, हाँ फैक्स आ गया सर। ओके सर। क्या हेल्प करनी होगी? 01-88-67-89। सर डिलीवरी मंगलवार तक हो जाएगी कैसे भी, बाकी की डिटेल्स मैं फैक्स कर देता हूँ सर। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन सर। सर सर सर, मैंने आपसे कहा था सेल्स सुपरवाइजर के प्रमोशन के बारे में, आज शाम तक फाइनल कर देता हूँ मैं सर। यस सर। सो थैंक्स सर, थैंक यू सो मच सर। गुड। बॉस तुमसे बहुत इंप्रेस हैं भानु। तुम मुझे इंप्रेस करोगी तो काम हो जाएगा। लाइफ में ऊपर जाना इतना आसान नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछो। बॉस विनोद की जरूरत भी तुमने ऐसे ही पूरी की थी? उनकी हेल्प करके ही तुम मैनेजर बने हो। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। लाइन कटने के बाद भी तुम फोन पर बात कर रहे थे, मैं बेवकूफ हूँ क्या? लाइन कट नहीं थी, मैंने सर से बात की थी। लाइन कट गई थी, मैंने सुना। मुझे बस सिखाओ, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। गेट आउट, आई से गेट आउट। पैसा आएगा तो मेरे साथ शादी कर लेंगे। ये टाइम पर ये क्या हो रहा है? ये है दोरा बाबू, इसके बारे में अगर जानना हो तो हमें भीमावरम जाना होगा। ये है पिदा बाबू, सब इन्हें इसी नाम से जानते हैं। इनके जुड़वा बच्चे हैं येरा बाबू और दोरा बाबू। दोनों बहुत मिलजुल कर रहते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं,
इनके साफ दिल को देखकर सभी शुभ कार्य लोग इन्हीं के सामने किया करते थे। राम लक्ष्मण की तरह रहते थे ये दोनों। एक बार येरा बाबू ने तालाब खुदवाने के लिए पैसे इकट्ठा करवाए थे। वो पैसे दोरा बाबू ने मुर्गे की लड़ाई में लगाए और वो हार गए। उसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पिताजी चल बसे, छोटा भाई दुश्मन बन गया, जायदाद का बंटवारा हो गया, येरा बाबू को खेत मिला और दोरा बाबू को कुछ नहीं। उस दिन से दोरा बाबू दारू पी के एक नशेड़ी और जुवारी बन गया। कुछ दिन पहले मुझे यही चाहिए था। शो आजा मेरे मुन्ना, आजा, ले 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 ले, आजा 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 मेरे बद्री, आ गया वावा। अरे सुनो, इतना क्या मुर्गे को वैल्यू देना? अरे चुप चूजे, इसकी वैल्यू तुझे क्या पता है? हैदराबाद में गंगाधर रेड्डी प्राइवेट मुर्गी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और उसमें पहली लड़ाई हमारी बद्री की है। क्या? हैदराबाद में? हाँ, बताए तुम्हें, इसकी लड़ाई देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लंदन अमेरिका से भी लोग आने वाले हैं। समझे, वैल्यू बढ़ा दी इसकी। गंगाधर रेड्डी इसकी कीमत पूरी 2 लाख बोल रहा है। क्या कहा? इसके 2 लाख रुपए? तो फिर एरा बबू के कितने? उसके तो पूरे 3 लाख देने वाले हैं। येरा बाबू ने मना कर दिया। हाँ, मैंने उसे देखा था, वो मुर्गी नहीं बिल्कुल शेर दिखता है। इसकी स्पेशलिटी इसकी है, येरा बाबू की स्पेशलिटी येरा बाबू की है। ये क्या अंडा देता है क्या? बद्री बैठो बैठो बैठो, बैठ गया। बद्री उठो उठो। ये तो आपकी बात समझता है। अरे मूर्ति जी, इसे खुला छोड़ोगे तो कोई ले जाएगा। लाओ मैं संभालता हूँ। चुप करे, करे क्या कर रहा है? मुर्गे को जितना फ्रीडम दो उतनी ये हमारी बात मानेगा। पूरे 10,000 रुपए दूंगा। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया खेल के। हारे तो हारे, लेकिन जीतने वाले जीत के भी गए। मजा आ गया। चलो मिलते हैं बाद में। हाँ सही है। ओके। ये क्या कर दिया? बद्री उठो, बद्री उठो। मुझे लगता है ये आपकी आवाज से उठेगा। एक गधे की लानत। अब 2,10,000। जिंदगी जीने के लिए ये पिज्जा डिलीवर करता है, लेकिन इसके शौक कुछ अलग हैं। इसका एक फिल्मी चक्कर है और वो चक्कर गोल गोल घूमता रहता है और इसे घुमाता रहता है। फिर बेशक इसका गोल गोल पिज्जा ठंडा क्यों ना हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? ऑडिशन के लिए। हम लोग क्या मक्खी मार रहे हैं? कौन से रोल के लिए? वैसे तो मैं हीरो बनने आया हूँ,
लेकिन कोई भी रोल हो मैं कर लूंगा। कुछ करके दिखा तो, एक डायलॉग तो बोलो। कॉमेडी करके दिखाता हूँ सर। ठीक है, जो करना है कर लो। एक मिनट सर, सब आपने तो किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, तेरे लिए अंडरवियर खरीदी, क्या मेरी गलती थी? वैसे क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कैसा फील होता होगा? आपके लिए एक अंडरवियर खरीदने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आज तक आपने मेरे लिए कोई भी चीज खरीदी है क्या? अगर कभी कुछ खरीदा भी तो मेरे लिए हमेशा नापसंद की चीज लेकर आते हो। आज के बाद मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगा। एक बात और समझ लीजिए कि एक बार अगर मैंने कैमरे के सामने कमिटमेंट कर दी तो एक्टिंग तो हमेशा मैं करके ही रहूंगा। ओके ओके, बस 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 बस। वैसे आप कहें तो मैं डांस करके दिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है यार, जो देखना था देख ले। ए, खाली है तो आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। ए, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा। बस कर भाई, वो भाग जाएगी। सर वैसे मुझे फाइट भी आती है। ठीक है, करके तो दिखा। सर चार गुंडे आ रहे हैं, तब क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। टैलेंट है मगर साइलेंट है। अब बस आखिरी गुंडा बचा है सर, उसे मैं स्लो मोशन में मारूंगा। देखिए, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी सर, चलता हूँ। अगर आधे घंटे तक पिज्जा नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री, यही हमारा मोटो है। मैंने कहा था ना लेट हुआ तो पैसे तेरे सैलरी से काटूंगा, हैं? इस बार माफ कर दीजिए सर। ये सिंपैथी वाला ड्रामा मेरे सामने मत कर, तेरे सिनेमा के पागलपन की वजह से मुझे लॉस हो रहा है। तेरा ये एक्टिंग टैलेंट कहीं और जाके दिखा। ठीक है सर, सैलरी से काट लो, जब तक मैं हीरो ना बन जाऊं ये सब तो चलता ही रहेगा। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त व्यस्त है। अपने मामा के घर में चोरी करेगा तू? चोरी करेगा? एक्टिंग का क्या भूत चढ़ा है, हमारे खानदान में किसी को भी ये आदत नहीं है। तू चाहे कुछ बन या मत बन, मेरे लिए तू मेरा हीरो है बेटा। हेलो, मैं मल्लमा क्रिएशन से बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। डायरेक्टर को तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, तुम्हें ऑडिशन के लिए एक बार और आना होगा। बिल्कुल सर, मैं आ जाऊंगा। कितने बजे आना होगा? कल शाम 7 बजे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें डांस भी करना है, समझ गया ना? ओके सर, मैं सब कुछ समझ गया। ओके ठीक है, चलो बाय। काम हो गया। रे बाबा रे बाबा, अब क्या बात है, ऑडिशन हो गया? वही देख रहा हूँ सर। अरे क्या चल क्या रहा है और कितना टाइम जाएगा? इडियट्स, इडियट्स। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने वो फ्लैट नंबर 104 के बारे में बताया था ना, एक महीना एक्सटेंशन मांग रहा है। ऐसा नहीं है सर। ठीक है सर, रहने देता हूँ। हाँ कह देता हूँ, ठीक है सर। डोंट वरी भानु, नीचे अपार्टमेंट नंबर के सामने तुम्हारा नाम लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है ना? मैं दीदी के साथ नहीं रह पा रही हूँ। जीजाजी रोज पीकर आते हैं, दीदी से झगड़ते हैं, मुझे बाहर जाने को कहते हैं, फिर भी मैं वहीं रह रही हूँ। छह, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे लिए बिल्डर से बात करने गया है ना? सॉरी मैडम, बिल्डर नहीं मान रहे। कैसे भी करके बैलेंस अमाउंट भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके लिए मुझे एक महीने का टाइम दीजिए। आपने देखा ना, मैंने ट्राई किया, ये नहीं भर पा रही है तो बाकी का कैसे भरेंगी आप? मैं तो सिर्फ एक महीने का ही टाइम मांग रही हूँ। मैडम मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, आप अभी नहीं भर सकती तो बाद में क्या करेंगी आप? फिर ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मेरा एडवांस वापस दे दो। क्या एडवांस?
हाँ एडवांस मुझे वापस दे दो। एडवांस रिफंड नहीं होता मैडम। ऐसे कैसे? 2 लाख रुपए हैं, मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है वो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको वो एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। रमेश प्लीज। ठीक है, 1 वीक का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देख लीजिए। सोचो भानु, जॉब गया तो गया, घर तो रहेगा। डोंट वरी, ये फ्लैट तुम्हारा ही होगा। हाँ मेरा ही होगा, बस मेरा ही। वो क्या है ना कि एनर्जी ड्रिंक के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और मैं नए प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ। क्यों? अरे सुनिए तो, मेरी हाँ जी नंबर रेडी ने दिया है, उन्होंने मुझे आपसे बात। हाँ ठीक है, हमने सुना है आपके बारे में, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है आपके पास, सही है ना? या सॉरी मैम, इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है। पर मेरी बात तो सुनिए। वैकेंसी नहीं है, सॉरी। पैसों की जरूरत थी, 50,000 तक दे सकती हो? I'm sorry भानु, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम 25,000 तो दे दो। सॉरी अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात बताती हूँ, जो अपना नहीं है वो हमें कभी नहीं मिलेगा और जो अपना है वो हमें जरूर मिलेगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। जो अपना नहीं है अपना है, ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा? पैसे मांगो तो फुकट की सलाह देते रहते हैं। इतने दिनों से मेरी कमाई पे जी रहे हो, जाकर कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते तुम? दीदी बस करो, चुपचाप बैठ, चुप कर। तुम चुप रहो, मेरी बहन को कुछ मत बोलना समझे? जब देखो तब शराब पी के आ जाते हो। बस करो, बहुत हो गया, बंद करो ये सब। रे बाबा तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा। इसका डांस देखते ही हमें नशा आ रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है, इसको अगर 90 देंगे ना तो हिप हॉप और सालसा भी करेगा। कॉकटेल आइए भाई, नंबर 2 को बुला। चलो नेक्स्ट। एक दिन देखना, समाज में जो भी लोग लालच करते हैं ना, उनके साथ अच्छा नहीं होगा। अपने आप से क्या बात कर रहा है यार? 2 दिन के बाद ऑडिशन है, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अगर सिलेक्ट हो गया तो मेरी लाइफ बदल जाएगी यार। गुड लक। थैंक यू यार। एक दिन देखना, समाज में जो भी लोग बुरा करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। इसीलिए इंसान को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। इसीलिए आदमी को जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। एक दिन देखना, समाज में जो भी लोग लालच करेंगे उनका, उनको क्या था यार? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोलो बोलो। हाँ 3 साल से तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने वापस कब आएगा। ये क्या है? तुम क्या बनने आए थे और क्या कर रहे हो यहाँ? यही एक्टिंग है? बहुत हो गया, चलो। मैं नहीं जाऊंगा मामा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेटा वेनू, और कितने दिनों तक वो अकेले दुकान संभालेगी? गिरवी रखी हुई दुकान 1 हफ्ते में उसके हाथ से निकल जाएगी, वही बताने आया हूं। तुम्हारे दूर रहने पर वो उसी दुकान के सहारे अपना जीवन काटती है बेटा। अगर वो भी चला गया तो वो कैसे जिएगी? ऐसे समय में अपने सपने से ज्यादा अपनी माँ को अहमियत दो,
मेरी बात मानो। तुम नहीं सुधरोगे, भगवान भी तुम्हें नहीं सुधार पाएगा। तू हमें सही मौके पे मिल जाता है ना, इसलिए हम तुझे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं भी तो आपको पसंद करता हूँ सर। हमसे मजाक कर रहा है? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा? अरे तुझे उस चोरी के बारे में पता है? इसका इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इसे चोरी के बारे में पता होता ना तो हमें सब कुछ बता दिया होता। ये तो डरपोक है, हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। इस बार अगर ये पकड़ा गया ना तो सीधा सेंट्रल जेल में जाएगा, वो भी लंबा। नहीं पकड़ा जाऊंगा, मतलब मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं सर। पुलिस से अगर पंगा लेगा ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। जानता हूँ सर, जानता हूँ। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना सर, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको खुद आके बता दूंगा। ओके सर, हमें इस तरह कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा सर। आपको चाहिए? चल निकल निकल। चलो टोटल अमाउंट 50,000 रुपीज होगा, चेक करना एक बार। चेक में दोगे या अकाउंट ट्रांसफर? एक सेकंड रुकिए सर, एम्प्लॉई आईडी 7383। ओके सर, आप एक बार बॉस से बात कर लीजिए प्लीज, आपके अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। फाइनल सेटलमेंट में रेस्ट्रिक्शन रखा है। बदतमीज कहीं का मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। What the hell? Hey, ये तुम्हारे बाप का ऑफिस है क्या? यो यो। सॉरी सर। hey, तुम्हारी सॉरी वॉरी हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कुमार सर। अब बोलो। मेरे पैसे रिलीज कर दीजिए प्लीज सर, मेरी जॉब चली गई है इसलिए प्रॉब्लम है, प्लीज समझिए ना सर। अनु, शी इज मोनिका, मोनिका शी इज भानु। हाय हाय। तुम्हारे जाते ही मैंने इसे अपॉइंट कर लिया, बहुत हेल्पिंग नेचर की है। उस दिन बात करते समय तुम्हें मुझसे संभल कर बात करनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा क्या? तुम्हारे बारे में मैंने सबको बता दिया है। देखता हूँ इस ऑफिस में क्या तुम्हें पूरे शहर में कौन जॉब पर रखता है। चलो, थोड़ी सी हेल्प मांगी थी, मना कर दिया था ना, चलो अब मैं अपनी तरफ से तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये लो अपने सर्टिफिकेट्स, किसी काम के नहीं है, इसे लेकर निकल जाओ यहाँ से। उठाओ इसे और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इन पेपर्स के अलावा तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकर निकलो। गेट लॉस्ट। हाँ, फैक्स आ गया सर, 8018867 89। ये लो, इसे लेकर निकल जाओ यहाँ से। उठाओ इसे। अगला जो ट्रक आएगा ना उसमें गोल्ड बिस्किट होगा, वो मैं चोरी कर लूंगा। मेरे पास पैसे आएंगे फिर तुम उससे शादी कर लेना। The jackpot is 4 bricks of gold and 500 gold coins.
भानु, भानु, हाँ? तुम्हारा जॉब वंशी, वहां क्यों बैठे हो? पास आके बैठो। मजाक कर रही हो क्या? आओ ना। हाँ बोलो। पूरे 4 गोल्ड ब्रिक्स, 500 स्पेशल गोल्ड पॉइंट्स भी हैं। घटिया रोल्स, एम्प्लॉय के लिए ऑफर नहीं था। रोल्स हटा दो फिर। अच्छा तो सब हम ही चुरा लेते हैं? करेक्ट, चुराएंगे ना। एक हफ्ते के अंदर बैंगलोर टू हैदराबाद हाईवे से ट्रैक नंबर KA01AA6789 आ रहा है। उसमें 4 गोल्ड ब्रिक्स और 500 गोल्ड कॉइन्स है। हम स्केच बनाएंगे। वंशी, इस गोल्ड बिजनेस में तुम्हारा शेयर 25% होगा। बिजनेस? ये कोई मनप्पुरम या मल्लीपुरम गोल्ड नहीं है, रॉबरी है। ठीक है, 30% ले लो। तुम्हें मैं इस तरह का लगता हूँ क्या? तुम्हें 35, मुझे 65। 40-60, ये फाइनल है। मुझे माफ करो, तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। करोगे या नहीं? वंशी, जरा इधर आना। कहाँ पे? अरे बोलो तो, क्या हुआ? हाँ? वंशी, ये तो टू मच है। तुमने मुझे चीट किया। कितना बड़ा सीक्रेट शेयर किया तुमसे। क्या चीट और क्या सीक्रेट? तुम्हें एक गोल्ड रॉबरी का प्लान बताया, सब कुछ बताया। हाँ? तुमने मना किया, मैं चुपचाप वापस चली गई। पर अगर तुमने चोरी कर ली तो? भरोसा नहीं है क्या? तुम जाकर अपने दोस्तों को नहीं बताओगे उसकी क्या गारंटी? तुमने अपने प्लान से चुरा लिया तो? गारंटी वारंटी कुछ नहीं, और वैसे भी शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानूंगी। भानु पहले ये बताओ, ये रॉबरी प्लान जोक है या सीरियस है? तुम्हें डाउट हुआ क्या? वो तो एक ऐसे ही मजाक में कह रही थी। ओ, तो फिर वो ट्रक नंबर? वो ऐसे ही मुंह में आ गया तो बक दिया था मैंने। वो सब तो बकवास था। मैडम आप तो सच में बहुत चालाक हो। वंशी मारूंगी। तुमने जो भी कहा वो सब बकवास है। हाँ है। ओके, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे भी एक सीक्रेट पता है। मैं एक वंशी लड़के को जानती हूँ, उसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। चलो अब बताओ, ये जोक था या सीरियस? तुम्हें क्या करना? रॉबरी जैसा सोचती हो उतनी आसान नहीं है। मैं तो ये रॉबरी कर रही हूँ। हाथ मिलाओगे या टांग दोगे, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, करूंगा, पर तुम्हें भी कुछ करना होगा। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ डिनर के लिए आना होगा। डिनर पे मैं नहीं आऊंगी। कॉफी हो तो आ सकती हूँ। मिस भानुमति शेट्टी, तुम अलग टाइप की हो। वंशी, तुम्हारा सरनेम क्या है? शांति निवास। शांति, जस्ट वंशी। जस्ट वंशी,
तुम भी अलग टाइप के ही हो। काशी काशी, बड़े पापा आ रहे हैं, देखो। हाय बोलो। हाय बड़े पापा। अपने पिता की तरह दिखने वाले अपने बड़े पापा से बात करने के लिए वो बचपन से कोशिश कर रही है, पर दोरा बाबू को यह आइसक्रीम थोड़ी ना है जो पिघल जाएगा। उसने खुद न अपने भाई से 10 सालों से बात नहीं की है। काशी, बड़े पापा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लता, लता, मूर्ति जी का पूरा कर्जा 2,10,000 रुपए है। बता कब लौटा रहा है वो? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरी तो मुझे मत मारो, मैं लौटा दूंगा। कैसे? मेरे भाई के पास जो मुर्गा है वो तुम्हें ला कर दूंगा। हैदराबाद में गंगाधर रेड्डी को भेजना, जहाँ कहोगे वहां ला कर दूंगा मैं। एक दिन समाज में जो भी लोग बुरा करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। एक दिन समाज में जो भी लोग लालच करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। जो बुरा करेगा उसे बुरा भुगतना ही होगा। ये ऑर्डर सर। दो कॉफी और एक चॉकलेट केक। ओके सर। और तुम्हारे लिए? तुम्हारा पार्टनर हूँ ना, शेयर करेंगे। ठीक है। हे, वन सेकंड। अरे गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो। एक बात पूछूं तुमसे? तुम क्या पूछना चाहती हो मैं जानता हूँ। अच्छा बताओ क्या है? यही कि मेरा और उस पुलिस का क्या लिंक है। सही गैस कैसे किया? इससे पहले मैंने 30 चोरियां की हैं। तुमने चोरियां की है? कब, कहां, कैसे? बताओ बताओ बताओ। यहीं पर? यहाँ पर। उन लोगों ने पहचान लिया तो? तब मैं मास्क पहन कर आया था। मैं तो तुम्हें कितना गलत समझती थी, पर तुम तो प्रोफेशनल निकले। तुम्हें चोरी करना मजाक लगता है क्या? मैं कह रहा हूँ एक बार आदत पड़ गई तो लाइफ लॉन्ग पीछा नहीं छोड़ती, इस निशान की तरह। ये तो बचपन का है, मैं बहुत मस्ती करती थी ना, फिर भी मुझे ऐसे समय पर डर नहीं लगता। रॉबरी के समय हम साथ रहेंगे। वो सब नहीं चलेगा, करूंगा तो मैं अकेले ही करूंगा। मैं कार में रह लूंगी। मैंने कहा ना नहीं चलेगा। ओके सर, ठीक है। चोरी करना कैसा होता है देखना चाहोगी? नमूना दिखाता हूँ। कैसे? अब हम यहाँ से बिना बिल पे किए निकल जाएंगे। बिल पे किए बिना? पकड़े गए तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वही तो। ठीक है, रेडी। रेडी होना। रेडी। वंशी। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम है ना, 2 मिनट रुक जाओ। रेडी हो ना? चलो। आओ। वंशी। अब क्या हुआ? कुछ किए भी नहीं? अब रेडी हो? हाँ। आओ।
एक्सक्यूज मी सर, पीछे मुड़कर मत देखना, चलो सर चलती रहो। हेलो मैम, मैंने कहा चलती रहो। वंशी मैं खुलता हूँ, बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। डरो मत, वो इतनी दूर नहीं आएगा। भानु, भानु Thanks. सर 360 रुपए आपको वापस देने थे सर। ओ थैंक्स, बाय। कहता है दिल जो मेरा। नाइन फेल, क्लास में जो टीचर सिखाती थी वो मुझे समझ में नहीं आता था, एग्जाम में जो लिखते थे वो उन्हें समझ में नहीं आता था, फिर वही फुल स्टॉप हो गया। सच में? जॉब के लिए दिए हुए सारे सर्टिफिकेट्स फेक हैं। तो फिर इंग्लिश? मैं तो हिंदी में लिखकर याद कर लेती थी। मानू, you're great. अच्छा, great हूँ? सच में? तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, प्लान डिस्कस करते हैं। ट्रैक नंबर K A01AA6789, याद रखना। रहना सदा बन के अब तू मेरा। तेरा मेरा रिश्ता जैसे डोर और पतंग का, जब तक है ये सांसें। चलो तुम चलाओ, ये क्लच है, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर। साथ चलूं मैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। 1 2 3 बनके तेरा दिल नशी सी कोई शाम है तू, खुशनुमा सा सवेरा तेरा मेरा, साथ रहे यूं ही जब तक है जान। कह दो ये कह दो, तुम मेरे और मैं हूं तेरा। मैं अमरूद चुरा कर लाया हूँ, वो आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसे रख लो। पाके तेरी हंसी। अरे आपने अमरूद खा लिए, इसके पैसे भी नहीं दिए। सारा जहां देखूं तुझे जितना भी मैं बरता ना जी। कहा था ना मैंने, पाके तेरी हंसी मुस्कुराए सारा जहां, देखूं तुझे जितना भी मैं बरताना जी मेरा, तेरा मेरा हो संग यूं ही जब तक
साथ हो तेरा मेरा, हम कदम बन के चले, हम ना हो तुझसे जुदा कोई लम्हा मेरा, रहना सदा बन के अब तू मेरा, मेरा तेरा, साथ रहे यूं ही जब तक है जान, कह दो ये कह दो, तुम मेरे और मैं हूँ तेरा, तेरा मेरा रिश्ता जैसे डोर और पतंग का। पाके तेरी हंसी मुस्कुराए सारा जहां, देखूं तुझे जितना भी मैं भरता ना जी मेरा, पाके तेरी हंसी मुस्कुराए सारा जहां, देखूं तुझे जितना भी मैं बरताना जी मेरा। ओके तो गुड नाइट वंशी। ओ मॉर्निंग में ट्रक 7 बजे माल पहुंचा देगा, तो फिर हम स्पॉट कैसे फिक्स करें? स्पॉट मैं फिक्स करूंगा, मॉर्निंग 7 o'clock वो आएगा ना, मैं देख लूंगा। ठीक है, फिक्स करके मुझे बता देना। नहीं बताऊंगा, अकेला ये फिक्स है। और डील 50-50 है। 60-40। 50-50 ये फाइनल है। ठीक है सर। हंसकर नहीं बोल सकती? ठीक है सर। ए 50-50। गुड नाइट, बाय। वंशी क्या कार्टन का कंफर्मेशन नहीं चाहिए क्या? ओ लाओ तो। अरे ए, ये क्या कर रही हो? ट्रक का इंफॉर्मेशन और टाइम तुम रख लो, कार्टन का कंफर्मेशन और टाइम मैं रखती हूँ। तुम ट्रक का डोर सोलो ओपन करोगे तो मुझे फोन करना, तब कार्टन का इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। भानुमति नमूना 50-50 मांग रहा है, कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, ज्यादा ललच पूरी बला है। एक दिन समाज में जो भी लोग बुरा करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। इसीलिए इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। हमारा ट्रक सुबह 5:30 को हाईवे छोड़कर बाईपास पर जाएगा, अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती। इतने सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे। अबे जो बोल रहा हूँ वो सुनना, हाईवे से बाईपास के लिए कट होने वाला एक रास्ता है, तू वहीं पर रहना। और ये लो तुम्हारा ट्रक। ये ट्रक तुझे क्रॉस होकर आगे जाते ही मुझे फोन करना, मैं आगे राइट साइड में जो मंदिर है वहां पर इंतजार करता रहूंगा, वहीं से मैं टेक ओवर कर लूंगा। इतनी पसंद आई तुम्हें? क्या कहा? तू ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है ना? लड़की के लिए नहीं यार, गोल्ड के लिए, अपने लिए। अच्छा मुझे पता। अबे वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, बस इतना ही है। जरा सोच कर देख, अगर ये प्लान कामयाब हो गया ना तो अपना जैकपॉट है। तुम्हारे लिए जैकपॉट है, मेरे लिए क्या है? ऐसे वक्त ना मेरे जैसे लोग ही पकड़े जाते हैं। ए मैं कह रहा हूँ ना मैं संभाल लूंगा, इसीलिए पिलाकर बात कर रहा है, सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा एक बात बता मुझे, वो लड़की इतनी सुंदर है, इतनी या इतनी? अबे तेरी छी, क्या हुआ? अभी ओके ना, बाकी का पैसा भर पाओगे तुम? हाँ मुझे पता है ये फ्लैट आपका ही है। अच्छा थैंक यू जी।
वंशी ये क्या कर रहे हो? मैं मेरा हिस्सा ले रहा हूँ। मैं तुम्हारा हिस्सा पहले ही दे चुकी हूँ ना। ये भी मेरा ही है। पागल हो गए हो क्या? 50-50 की बात हुई थी ना। लो, असल में तुमने किया ही क्या है? बस इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने तो खेत को सींच कर पौधा लगा कर पानी भी डाला है, तो ये भी मेरा ही है। वंशी, ये चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। मैं पहले से ही जानती थी तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। ओवर एक्टिंग मत करो। फोन क्यों कट कर रहा है? कहाँ जा रहे हैं दोनों? आपकी मर्जी, कुछ भी करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस को शूटिंग स्पॉट से ये लोग लेके गए ऐसा मैं बोल दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गुलाब भाई। अरे सच बोल रहा है, शादी करने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे वाह, शादी मुबारक हो भाई, लड़की कौन है? गुलाब भाई इसकी बात क्यों सुन रहे हो? वो तो आधी पागल है और ये पूरा पागल हो चुका है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। एक मिनट, यहाँ आओ। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें कितनी बार फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाया? काम में बिजी हूँ, दिखता नहीं है क्या? इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी यही सोचकर आई हूँ। पागल हो गई हो, पहले यहाँ से बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, सभी चीजों में मुझे साइड कर रहे हो। भूल गए क्या, ये आइडिया मेरा ही है, सब कुछ मुझे बताए भी नहीं कर रहे हो। मैं रहूंगी। गुलाब भाई, हमने एक छोटा सा प्लान किया है, सारा आइडिया इसी लड़की का है, हमारी गैंग लीडर, नाम भानु है। आपकी गैंग में लड़कियां भी है? अरे दो, मैं पकड़ती हूँ। अरे एक मिनट। अरे प्रॉब्लम क्या है भानु, गन दे दो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और लोडेड गन पता है, मैंने पकड़ा है इसे। अरे चल जाएंगी। अरे क्या कर रही है? तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? चल जाएगी, नीचे करो, पहले गन नीचे करो प्लीज। पकड़ नहीं सकती क्या? भानु बोल रहा हूँ ना, गन नीचे करो, चल जाएगी। भानु पहले गन नीचे करो, अपना हिसाब करो। लोडेड गन है, नीचे करो भानु। अरे चल जाएगी तो कोई मर जाएगा। आप लोगों तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। उसमें सेफ्टी लॉक भी नहीं लगा है, प्लीज नीचे करो। ये तो ठीक है। मैं भी, मैंने कहा था ना ये गन लोडेड है, लाओ यहाँ पर। सॉरी। इसको ठोक दिया। वेणु, 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 उठ उठ वेणु, इसको ठोक दिया। ए भाई, उठा। क्यों गुलाब भाई, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सच में लगा ना कि मैं मर गया हूँ? एक्टर है भाई। ए, टेंशन दे दिया तूने मेरे को, इसमें मुझे लगा रियल बुलेट है और तुझको लगी और तू टपक गया। क्या हो गई ना तसल्ली? डमी बुलेट है ना, मैं जानती थी, सुपर एक्टिंग। ये हमारा बंदा है, ये वेणु है, आर्टिस्ट बनने के लिए ट्राई कर रहा है। आज ने तो गली हीरो बनेगा। गुलाब भाई, जिसका आपने रेफरेंस दिया मैं उससे मिला, उसने बोला कि मुझे काम देगा। थैंक यू गुलाब भाई। नहीं, शायद आप लोग बिजी थे ना, आप लोग अपना काम करो, मैं बाहर वेट करता हूं। टू मिनट्स, मैं आता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलेगा। सच मार दिया क्या? संभल कर, ये रियल बुलेट है, डमी बुलेट नहीं है कि बच जाएगा। गन मैं ही हैंडल करूंगा, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तुम अपने घर जाओ, हम अपने रूम पर जाएंगे। पर क्यों, हम तो राजू भाई की गैरेज में जाने वाले थे ना। बता दे, नजदीक आकर इसके कान में बोलना, गधा कहीं का। May I have your attention please? Train number 17255, platform number 7 पर आ चुकी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। Train number 17।
मेरे पापा। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे साथ कौन आया? मैं आई हूँ, ये घर में किसी को भी नहीं पता है। तो फिर तुम क्यों आई हो? काशी के लिए। क्या? काशी। काशी? काशी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। काशी को फाइटिंग के लिए ले जा रहे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है बड़े पापा। आप बहुत अच्छे हो बड़े पापा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास खाने के लिए कुछ है? नहीं है। काशी सो गया क्या? काशी अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम घबराओ मत, हाँ? अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम सो जाओ। ऊपर आकर बैठ जाओ। बड़े पापा। क्या हुआ? आपने मुझसे बात की ना? बड़े पापा कोई कहानी सुनाइए ना, नहीं तो मुझे सुलाइए। बड़े पापा आप मुझे बिना सुलाए सो गए। क्यों गम सुन हो बोलो, गलती क्या मेरी, क्यों रूठे यूं बोलो, बोलो ना रे बोलो ना रे, क्या भूल मेरी, लगती नहीं अच्छी ये खामोशी तेरी। क्यों चुप हो बोलो, क्यों गम सुन हो बोलो। गुड मॉर्निंग काशी। चलो बड़े पापा को गुड मॉर्निंग बोलो। मेरे अलावा ये सबको चोंच मारता है, आपको चोंच नहीं मारी, मतलब ये आपको पसंद करता है। बड़े पापा हम लोग घर कब जाएंगे? हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं क्या? हैदराबाद में कोई हमारा रिश्तेदार है? श्रुति मैं इसे किसी फाइट के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, अब चुप बैठो। बड़े पापा आपने मुझसे पैसे बात की। ये बच्ची कौन है? मेरी वो सेकंड क्लास बाल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, बैंक कॉलोनी भीमावरन वन टाउन। इसे कहाँ रखूँ? वहाँ पे। श्रुति काशी के साथ तुम यही रहना, ठीक है बड़े पापा। क्या हुआ दोरा बाबू? काशी को लेकर आया हूँ। उसे ला ठीक किया मगर उसे मैंने ही लेकर आया, वो येरा बाबू की बेटी है, हमेशा उस मुर्गे के साथ खेलते रहती है, मुर्गे को लाते वक्त मेरे पीछे पीछे आ गई, मुझे पता नहीं चला। तुझे किसी और ने देखा तो नहीं? नहीं तो डरो मत दोरा बाबू, मुर्गी के साथ साथ तू सोने की मुर्गी का बच्चा भी ले आया है, समझ ले अब तकदीर बदल जाएगी। मतलब? मतलब टाइम सही जा रहा है, मुर्गी से तेरा कर्जा माफ हो जाएगा, बच्ची को किडनैप करके बाकी की जिंदगी के पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। दोरा बाबू तुम्हारे भाई ने बहुत पैसा कमाया है, तुम्हें तो बस सागर में से कुछ बूंदे निकालनी है, उनसे 1 करोड़ रुपए मांगेंगे, बच्ची तो यहाँ मुर्गे के साथ खेलने में बिजी है, सुबह उसे छोड़ देंगे, क्या कहते हो? 1 करोड़? क्यों कम है क्या? 2 करोड़ मांग लेते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने तो मुर्गा ला कर दिया, अब मुझे माफ कर दो। ठीक है माफ कर दो दोरा बाबू, मुझसे गलती हो गई। चलता हूँ। श्रुति चलो हमें चलना है। ठीक है बड़े पापा। श्रुति काशी को यहीं पर छोड़कर जाना है। बड़े पापा मेरी बात नहीं सुनोगी? मान भी जाओ बेटा। ठीक है बड़े पापा। हेलो हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, तेरा भाई और बच्ची। क्या बोल रहे हो? वो दोनों हमारे कब्जे में हैं। भाई और बच्ची? कल सुबह तक 2 करोड़ रुपए लेके हैदराबाद आ जाना, कल फोन करके एड्रेस बताऊंगा वहीं पर आ जाना। हेलो हेलो क्या हुआ है जी?
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्या है ना, कई सालों के बाद देरा बाबू ने मुझे फोन किया, सच में मुझसे मिलना चाहते हैं। सोच रहा हूँ कि उनसे मिल लो, और श्रुति भी उन्हीं के पास है। श्रुति सुबह से दिखाई नहीं दी, मुझे लगा नानी के घर गई होगी। हाँ वहीं से वो उसे लेकर गए हैं। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वो क्या है कि सालों के बाद उनकी आवाज सुनी ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब सब कुछ अच्छा होगा जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अब लता भी हमारे साथ रहेगी। ठीक है चलो। थैंक गॉड टाइम पर पहुंच गया। सर पिज्जा। अरे वो पिज्जा वाला आ गया। अरे रुकना। सर सर ये आपका पिज्जा। सर आपका बिल 926 रुपए हुए हैं। सर कितना हुआ? 926 रुपीज सर। अच्छी बात है। सर मेरे पैसे हैं? मेरे पैसे। टाइम कितना हुआ? 1:20। आधे घंटे से ज्यादा हुआ तो क्या होता है? पिज्जा फ्री मिलता है। सर मैं तो 5 मिनट पहले आ गया था, मैंने बेल भी बजाई थी सर। तुम्हारा क्या मतलब है, फ्री पिज्जा खाने के लिए हम झूठ बोल रहे क्या? हाँ सर। एक तो लेट आया, ऊपर से बहुत बकबक कर रहा है तू। टाइम पे डिलीवरी कभी नहीं देते, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। सर सर ऐसा नहीं हुआ सर, सर मुझे मेरे पैसे चाहिए सर। सर सर प्लीज सर, सर ऐसा मत करिए सर। सर 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 देखिए, अरे सर मुझे क्यों मार रहे हैं सर? पिज्जा खाने के लिए हम झूठ बोलेंगे क्या? वही शहर का पिज्जा बहुत अच्छा होता है इसलिए। अरे तुम क्या कर रहे हो, पिज्जा गिर जाएगा। सोना हो या डायमंड हो, बॉर्डर पार करके मंजिल तक पहुंचाने का ये सही तरीका है, किसी को पता नहीं चलता। सबके सामने खुले आम ले जाओ, बहुत ही आसान तरीका है। डिलीवरी ठीक से करना। ओके सर। इस बॉक्स में क्या है? अरे कुछ संक्रांति का गिफ्ट है। अच्छा हाँ मैनेजर साहब, वो ट्रक अभी भी निकल गया है। ओ ट्रक निकल गया क्या? जी सर। ओके यही है ना, 6789KA01AA। यस सर। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हमें एक बार मिलना होगा, यही ऑफिस में आ जाओ मेरे, एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे, प्लीज प्लीज। ठीक है। थैंक यू सर, मेरा बैलेंस अमाउंट सारा क्लियर हो जाएगा ना? हाँ तुम्हारा अकाउंट्स क्लियर कर दिया गया है, अब तुम वो पैसे निकाल सकती हो। थैंक यू सर। फिर मेरा जॉब? मुझे मालूम था पूछोगी, हो जाएगा। थैंक यू सर।
ट्रक नंबर KA01AA6789। ये क्या है सर? अरे वाह, क्या एक्टिंग कर रही हो बानू। वामसी, ट्रक, चोरी, सब मुझे पता है। मुझे कैसे पता चला? जरा गेस करो। तुम्हारे फ्रेंड वंशी ने ही बताया मुझे। वंशी ने? तुम्हें एक और झटका दूं क्या? तुम्हारे सीन में आने से पहले ही मैं और वंशी मिलकर ये प्लान बना चुके थे। तुम्हारे प्लान बताते ही उसने मुझे बता दिया। तुम्हें चीट किया वंशी ने, मुझे नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए तुम इस प्लान की इंश्योरेंस पॉलिसी हो। मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा फंड लौटा रहा हूँ, कोई पुलिस केस नहीं, और क्या चाहिए? बस उतना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे क्या करना होगा? हेलो बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? श्रुति। और गांव? भीमवरम। स्कूल जाती हो ना? कैसे जाऊंगी, इन्होंने बांधा है ना। वैसे ये क्या तुम्हारे डैडी हैं? नहीं, बड़े पापा। सुनिए, आप इसके बड़े पापा हैं? तुझे इससे क्या लेने देना, चुप बैठ। ए, क्या बात कर रहा है इससे, चल। सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर, सर मुझसे गलती हुई सर, मैं आइंदा टाइम पर आऊंगा सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं डिलीवरी टाइम पर दूंगा सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए सर, प्लीज प्लीज, मुझसे गलती हुई सर। चुपचाप यहीं बैठना, कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना। हाँ भाई, हैदराबाद बैंगलोर बाईपास हाईवे क्रॉसिंग के पास। बाईपास हाईवे क्रॉसिंग के पास सुबह 4 बजे जाना है। चार बजे? भाई इतनी सुबह सुबह कैसे? इतनी सुबह नींद नहीं खुली तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। नींद नहीं खुलेगी तो अलार्म लगाना, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सॉरी, मैं जाऊंगा। मेरा बाबा 2 करोड़ लेकर आ रहा है और तुम लोग को मजाक सोच रहा है? नहीं भाई, नहीं भाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। भाई कुछ करते हैं नहीं, बस टीपते रहते हैं। गुड लक वंशी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं व्यस्त है। ए, सूरी? अरे क्या हुआ? अरे, ए, क्या हुआ तुझे? आज थोड़ी ज्यादा पी ली। आज एक दिन नहीं पीता तो मर जाता क्या? अरे प्रॉब्लम वो नहीं है, दारू पीने के बाद कल्याणी बिरयानी खा ली, वो बिरयानी खाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो गया, और थोड़ी पी लूंगा ना तो तबीयत सही हो जाएगी। पूरा प्लान बर्बाद करने के लिए हर गैंग में तुझ जैसा नमूना तो होता ही है। 5 मिनट दे, तैयार हो जाता हूं। क्यों, वहां जाकर उल्टी करके गंदा करेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, तू यहीं पे रुक और अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। ये पिज्जा बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है? ए, यहां से हिला तो तुझे जान से मार दूंगा।
ए? हाँ? ये तो इधर है। इसे किसी भी हाल में पकड़ना पड़ेगा, अगर भाग गया तो भाई हमें मार देंगे। एक दिन समाज में जो भी लोग बुरा करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। सर सर सर, अरे आधी रात को कौन है? सर कौन चाहिए? मुझे डायरेक्टर से मिलना है। अरे अबे पागल है क्या, इस वक्त क्या लेने आया? देखिए उन्होंने मुझे आज बुलाया था लेकिन मैं किसी काम में फंस गया तो मैं आ नहीं पाया। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। पता भी है टाइम क्या हुआ है? सर 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 प्लीज प्लीज सर मिलवा दीजिए मुझे। सर 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 मैं वेट हूँ सर। टाइम है आने का? वो आपने ऑडिशन के लिए बुलाया था ना? ऑडिशन के लिए? मैंने डायलॉग भी पूरे याद कर लिए हैं सर। आधी रात में कोई ऑडिशन लेता है? पागल कहीं सर, मैं किसी काम में फंस गया था इसलिए मैं आ नहीं पाया। ऑडिशन खत्म हो गया, तुम्हारे लिए कोई कैरेक्टर नहीं, तुम जा सकते हो। सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। ए वहाँ हमारी पार्टी चल रही थी और मौज मस्ती के लिए तुम्हारा ऑडिशन ले रहे थे, समझे तुम? आईने में कभी चेहरा देखा है खुद का? पता नहीं कहाँ कहाँ से हीरो बनने आ जाते हैं। अरे गांव जाकर खेती करो। गिरवी रखी हुई दुकान एक हफ्ते में उसके हाथ से निकल जाएगी, वही बताने आया हूँ। हमारे खानदान में किसी को भी ये आदत नहीं है। तू चाहे कुछ बन या मत बन, मेरे लिए तू मेरा हीरो है बेटा। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, अगर नाटक करोगे तो मुफ्त में मारे जाओगे। दो मिनट के लिए चुप रहो, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। ओके तो ये वाला
भैया भैया अगर इसमें कम निकला तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, याद रखना। पापा। बेटा। ए, बैग, 2 करोड़ रुपए है उसमें, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। पापा काशी। भाई उसी का कोई आदमी है। ये लोगों का प्लान लगता है। ओ, पकड़ो उन्हें। क्या कर रहे हैं? रुक रहे। अबे तू यहाँ क्यों रुका है? बिरयानी बनाने के लिए जा। भाई। आइए। छोटे श्रुति को लेके यहाँ से जा, मैं उन लोगों को यहाँ के रास्ते से भटकाता हूँ। चल निकल। नहीं भैया, एक साथ जाएंगे। मेरी बात मान, श्रुति को लेकर तुझे जाना ही होगा। हाँ, ले ले। बड़े पापा। श्रुति इस मुसीबत में मेरी वजह से फंस गई है। सुन, श्रुति को लेकर निकल जा, जल्दी जा, अपना ख्याल रख। जा 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 जा। मेरे पापा। ए इधर है, इधर है। जल्दी आ, जल्दी आ। तो देख, भाग्य रे। ये टाइम पे क्या हो रहा है? क्या करूं, क्या करूं? देखता हूं। जाओ, जल्दी जाओ, यही सही समय है। अरे मुझे क्या देख रही हो, जाओ। पर मुझे क्या करना है? पता नहीं, गाड़िया को रुकिए, उसके अंदर डब्बे हैं। तुम कार लेकर के जल्दी जाओ। कहाँ आना है मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? हा? क्या कार मुझे चलानी है? हाँ तो? पर मुझे तो कार चलानी। देखो, मैं जो बोलता हूँ वही करो, करोगी या नहीं? अरे मेरी माँ, जल्दी जा, जा जल्दी जा। अरे जाना। जा रही हूँ। जाओ। अरे क्या कर रही हो, जाओ जाओ। ओहो।
भैया भैया बड़े पापा भैया आंखें खोलो भैया क्या हुआ बड़े पापा भैया 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 ये खून कैसे बह रहा है उठिए ना भैया उठ जाओ बड़े पापा उठिए प्लीज चलो भैया इस तरफ मंडे जा रहे हैं इसी तरफ से चलो चलो बेटा क्या हुआ बड़े पापा कुछ नहीं हुआ सब ठीक हो जाएगा बेटा रुक जाओ श्रुति रुको बेटा श्रुति रुको काशी 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 जिंदगी के रास्ते में मुश्किलें तो आती रहती हैं लेकिन जब दिल में हिम्मत साहस और हौसला होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है हिम्मत है तो हौसला है तो मंजिलें हैं जो इंसान लड़ता है वही अंत में जीतता है और हार के बाद भी आदमी को जीत मिलती है माँ बाप भाई बहन पति बेटा ये सारे रिश्ते नाते जिंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं और इंसान की हिम्मत हौसला और उसकी ताकत उसे हर मुश्किल घड़ी से बचा सकती है यही सच्चाई है इस संसार में आदमी अकेले आया है और अकेले ही जाएगा सब कुछ मोह माया है इसीलिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया वो असल जिंदगी का हीरो होता है और अपनी लाइफ का हीरो मैं खुद हूं अपनी लाइफ का हीरो मैं खुद हूं इस लाइफ का हीरो मैं खुद हूं शिट्टी तुमने तो करके दिखा दिया चूल्हे में गया वंशी चूल्हे में गया मैनेजर ये सब मेरा है कार की स्पीड से ज्यादा भानु का दिमाग चलने लगा बॉलीवुड में उसकी फ्रेंड नताशा तो सेट हो गई वो उसके पास जाना चाहती थी और कुछ दिन रहना चाहती थी उसकी दोस्त उसे बुला भी रही थी पर मुंबई वर्कआउट नहीं हुआ तो प्लान नागपुर में सेटल होने का बनाया गया पर भाई साहब का जन्म अच्छे नक्षत्रों में हुआ था जहां कहीं भी भानु जाती वो उसे फॉलो करता
तो पिज्जा वाला निकला। उन सबको छोड़ दो। अबे पिज्जा वाले, तू जानता नहीं हम लोग कौन है, चुपचाप हमारा बैग दे दे। अब बैग मिल गया ना, अब उन सबको छोड़ दो। तेरी तो बहुत शौक था ना तुझे, तूने बुलाया था ना इसे पिज्जा खाने, पिज्जा ए मार दो रे इसे। हाँ। सर चार गुंडे आ रहे हैं, तब क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। बस एक गुंडा बचा है सर, स्लो मोशन में दिखाता हूं। भाई आपका पैसा मुझे नहीं, छोटे को देना। भैया आपका खून बह रहा है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ संभल के छोटो, ये पैसे रख ले। मैं ये नहीं ले सकता। भानु लौट कर आ जाओ, वैसे भी भाग भाग कर कहां तक जाओगी। वंशी ये क्या हुआ? मैनेजर ने स्कॉर्पियो से ठोक दिया। वो बहुत बड़ा शैतान है, और तुम बुद्धू हो, तुमने उसके सामने मेरा नाम क्यों लिया बताओ वंशी? तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? देखा अब क्या हुआ। नसीब अच्छा था इसलिए गाड़ी ने ठोका। हाँ? सोना खोने के बाद भी इतना खुशी से रह सकते हैं ये अभी पता चला। मुझे लगा तुम दिल्ली या नागपुर जाके सेटल हो जाओगी। आ, 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 आ,
सारा गुड़ चला गया। उसके लिए रो रही हो? मैं नहीं रो रही हूं। क्या बात है, तुम्हारे आंसू तो बहुत ही मीठे हैं। साथ आओगी तो ही दूंगा। आऊंगी। सिर्फ कार तक। गाड़ी रुको। बाहर आओ। आज ही नाकाबंदी होनी थी। चलो चलो चलो, गाड़ी चेक करो, चेक करो गाड़ी। ये क्या है? मुझे क्या पता, मेरे पास है तो मेरा हो जाएगा क्या? भानुमति के कार में था तो मैं लेकर आ गया। मैंने चोरी नहीं की है इसकी। अगर चोरी की होती तो भानुमति चुपचाप बैठती क्या? मुझे क्या पता कि इस डब्बे में सोना है। मैंने चोरी नहीं की। सोना कहाँ से आया? वंशी, मारूंगी तुम्हारे अलावा और कौन मारेगा मुझे? देखो, सीट पर रखे हुए सारे बॉक्स लेकर चला गया। ये सब एनर्जी ड्रिंक है सर, आप पी सकते हो सर। आपको चाहिए? एक दीजिए ना सर, इनको। चुप रे। सोना नहीं है सर। साल में सबसे पहला त्योहार आता है संक्रांति। खुशी से मनाया जाता है ये त्योहार, लेकिन इस बार वीणु के घर में हुआ है सोने का चमत्कार। आइए बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक के बम्पर ऑफर में 2 किलो सोना जीतने वाले विनर के साथ। आपके बेटे ने 2 किलो सोना जीता है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? इतनी कम उम्र में आपके बेटे ने इतने पैसे कमा लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा वापस आ गया है। किस्मत ने आखिर साथ दे ही दिया, वीणु हीरो बन गया और वहीं दोनों भाई अब दोबारा साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। भानुमति को वंशी मिल गया, वंशी को भानुमति मिल गई। सर, इन्होंने बड़े बॉस को सारा सोना लौटा दिया। सॉरी। तो बॉस ने प्रमोशन दे दी। मिस भानुमति, यू आर अपॉइंटेड एज अ सेल्स मैनेजर। प्रमोशन? भानुमति शेट्टी सेल्स मैनेजर। आइए आइए बैठिए। इस बार बनाया हुआ प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए। वंशी। हाँ।